शिवम शर्मा है और आज मैं डिस्कस करूँगा हिस्ट्री का अगला चैप्टर पास्टरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी सोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने बताया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। और मैंने कहा था कि सोर्सेज के बेसिस पे तीन तरीके के डिविजन्स होते हैं हिस्ट्री में। तो वो तीन तरीके के जो डिविजन्स हैं हिस्ट्री में वो थे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। ये आपको याद होगा। फिर उसमें मैंने बताया था कि प्री हिस्ट्री वाला जो पीरियड है हमारा, उसमें हम प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री का हमारा वो पीरियड है जिसमें हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, लेकिन वो लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो या तो कन्फर्म नहीं हो पाए या डिसाइफर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें उनके लिए भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही रेफर करने पड़ते हैं। अब आज मैं बात करूँगा प्री हिस्ट्री के बारे में। और प्री हिस्ट्री में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तीन तरीके के इम्पॉर्टेंट पीरियड्स हैं जो हमारे लिथिक पीरियड के अंडर आते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड। ये तीन तरीके के पीरियड्स हैं हमारे हिस्ट्री में, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक। अब अगर पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो इसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं है। आप ये कहना सही होगा कि जब से हमारा नए एरा का बिगनिंग हुआ है, ज्योग्राफिकल नए एरा का बिगनिंग हुआ है, तब से ही हमारा पेलियोलिथिक एज चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर मुझे इसको मोटा मोटा टाइम देना पड़े तो इसका टाइम पीरियड होगा 3 मिलियन BC, 3 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BC। ये है हमारा पेलियोलिथिक एज। अब अगर हम वहीं पे मेसोलिथिक एज की बात करें तो वो हमारा लगभग शुरू होता है 9,000-8,000 से और ये जाता है हमारा अप टू 1,000 BC तक। और जो तीसरा है हमारा न्यूलिथिक एज, ये हमारा शुरू होता है 5,000 BC से, कह सकते हैं आप, कहीं जगह पर 7,000 BC से भी शुरू हो रहा है। तो ग्लोबली 7,000 BC से लिया जाता है इसको और ये भी 1,000 BC तक जा रहा है। अब मीसोलिथिक कहीं जगह पर 4,000 BC है और कहीं जगह पर 1,000 BC है। तो ये क्या रीज़न है इसका, पहले मैं ये समझाना चाहूँगा ओवरलैपिंग क्यों है। क्योंकि देखिए, इन सोर्सेज को जब हम डिवाइड करते हैं, इस एज को हम डिवाइड करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं कुछ टूल्स के बेसिस पे, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे, इंडस्ट्री कल्चर्स के बेसिस पे। जैसे आपने सुना होगा सोलन वैली का नाम, सोलन कल्चर का नाम सुना होगा आपने, कश्मीर सोहन वैली का नाम। तो जब हम सोहन वैली की बात करते हैं, सोहन वैली कल्चर की बात करते हैं कश्मीर में, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ टूल्स मिल रहे हैं हमें पेलियोलिथिक एज के। सिमिलरली जब हम मेहरगढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं न्यूलिथिक एज के मिल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी साइड पे हमें अलग अलग तरीके के सोर्सेज मिलते हैं और उनकी कार्बन डेटिंग जो है वो इन टाइम पीरियड्स पे जाती है, पीछे जाती है। यानी कि मान लीजिए हमें कुछ मिला न्यूलिथिक एज की लेयर में, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग है वो जा रही है मेसोलिथिक पे। तो यानी कि मेसोलिथिक एज में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, कर रहा था टूल, और वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस टाइम में वो टूल तो मेसोलिथिक कल्चर का है, लेकिन वो पाया जा रहा है न्यूलिथिक एज में, यानी कि कंटिन्यूएशन हो रहा है, इसलिए ये ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, अब अगर लिथिक का मतलब बात करूं मैं, तो लिथिक का सीधा सीधा मतलब होता है स्टोन, लिथ। और पेलियो, मीसो, नियो, नियो का मतलब है न्यू, मेसो का मतलब है मिडिल और पेलियो का मतलब है ओल्ड या अर्ली, आप जो कहना चाहें। तो ये है अर्ली स्टोन एज, ये है मिडिल स्टोन एज, ये है लेटर स्टोन एज। ठीक है, अब चाहे हम कुछ भी बोले, काफी स्कॉलर्स ने ये बोला है कि 99% ऑफ द हिस्ट्री is lost. अब 99% of the history is lost. Why? Because आप अभी जो history देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं history, वो आपकी शुरू होती है। अगर मैं historic period की बात करूँ, paleolithic और ये सब हटा दूँ, मैं केवल historic period की बात करूँ, strict sense of sources, तो वो लगभग आपकी शुरू हो रही है मान लीजिए 600 BC से, यानी कि जनपदास का, महाजनपदास का जो पीरियड है उसके आसपास। अब आप सोचिए कि 600 BC से आप पढ़ रहे हैं 2019 तक, 20 तक या 50 तक या 21st century तक, यानी 6th century BC टू 21st century BC ये आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं केवल 2600-2700 साल की, उससे पहले की हिस्ट्री का क्या?
और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अर्थ इज ऑलमोस्ट 6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो अब आप सोचिए 6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन मान लिया जाए कि अगर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की बात करें, और ये मान लिया जाए कि ह्यूमन जो है वो आते हैं आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपने रियल सेंस में होमो सेपियन सेपियन बन के जो आपके आते हैं, वो आते हैं लगभग मान लीजिए 10,000 BC में। उससे पहले अगर एवोल्यूशन की बात करें तो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस आ जाता है, होमो इरेक्टस इरेक्टस आ जाता है, या होमो सेपियन आ जाता है, या रामापिथेकस आ जाता है जो इंडिया में मिलता है, जिसके फॉसिल्स मिलते हैं इंडिया में। तो अगर आप देखें तो वो सारी हिस्ट्री तो हमारी खत्म हो गई है ना, दैट ऑल हिस्ट्री इज लॉस्ट। तो आप मान के चलिए कि फ्रॉम लेट्स से लाइक फर्स्ट ह्यूमन, द फर्स्ट होमो सेपियन एग्जिस्टेड समवट अराउंड 40,000 BC, एंड बिफोर दैट इफ आई टॉक अबाउट द एक्चुअल स्पीशी, एंड लेट्स से इट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बट लेट्स से इट वाज लेट्स से 5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री आपकी खत्म हो गई, ये सारी हिस्ट्री आपकी लॉस्ट है। वॉट वी हैव इज दिस ओनली 2600 ईयर्स, जो आपका 600 BC से 2025-2050 21st century तक चलता आ रहा है, 6th century BC से। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हिस्ट्री जो लूज हो गई, बट वॉट इज द वे टू रिकवर दिस हिस्ट्री? लेट्स इफ यू वॉन्ट टू रिकवर दिस हिस्ट्री, देर इज नो पॉसिबल वे दैट वी कैन रिकवर दिस हिस्ट्री एक्सेप्ट लुकिंग एट द फॉसिल्स, जहां पे आ जाती है हिस्ट्री ऑफ फॉसिल्स, स्टडीज ऑफ फॉसिल्स। तो अगर मैं स्टडीज ऑफ फॉसिल्स की बात करूं, इसको बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी, अब पेलियंटोलॉजी का मतलब है स्टडीज ऑफ फॉसिल्स, और इसमें आपके प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कार्बन डेटिंग और एक्सकेवेशंस, रिकंस्ट्रक्शन। अभी रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बोन्स देखकर पता लगाया जा सकता है कि किसका क्या आकार है। तो जैसे डायनासोर्स को लेके बात चलती है, काफी ज्यादा पेलियंटोलॉजिस्ट बात करते हैं डायनासोर्स को लेके कि डायनासोर्स एग्जिस्टेड, तो किस डायनासोर्स के क्या फीचर थे, क्या हाइट थी, क्या वेट था, कितना क्या खाता था, हर्बीवोरस था या कार्निवोरस था, यू फिगर आउट दैट आउट फ्रॉम देयर टीथ, फ्रॉम देयर साइज, फ्रॉम देयर डाइट, फ्रॉम देयर एग्जिस्टेंस, एंड दैट्स हाउ यू फिगर आउट। तो दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। तो ये आपका पेलियंटोलॉजी का पार्ट है, एंड स्कॉलर्स हु स्टडी पेलियंटोलॉजी आर कॉल्ड पेलियंटोलॉजिस्ट्स, ठीक है। तो ये हुआ पेलियंटोलॉजी, और पेलियंटोलॉजिस्ट वर्क इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट दिस हिस्ट्री, ठीक है। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही थी, पेलियंटोलॉजी इज अ साइंस विच वर्क्स विद हिस्ट्री, एंड इसी के साथ ब्रांच आता है आर्कियोलॉजी का। अदर डिसिप्लिन आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम साइंस विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। तो अगर बात करें चार्ल्स डार्विन की, यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका फाइनल चैप्टर में बात करेंगे हम। तो चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ स्पीशी, बिकॉज अल्टीमेटली इट वॉज चार्ल्स डार्विन हु फिगर्ड आउट द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस एंड द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, की ह्यूमंस कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो अगर चार्ल्स डार्विन की हम बात करते हैं, तो चार्ल्स डार्विन ही वॉज द फर्स्ट वन हु गिव दिस थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशी, एंड वेयर ही टॉक्स अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑफ कोर्स। तो जहाँ पर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब आगे अगर चलते हैं और बात करते हैं पेलियोलिथिक एज की, तो पेलियोलिथिक एज जो है, इसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हंटर एंड गैदरर्स, यानी कि इस टाइम पीरियड में ह्यूमन बीइंग्स वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे और गैदरिंग कर रहे थे। They were hunting things and they were gathering things. They were collecting fruits because obviously agriculture अभी तक नहीं आया था। तो अब ये कैसे पता लगता है कि ये लोग hunting और gathering कर रहे थे? ये पता लगता है हमें tools देखकर। It is through the size of tools that we are able to figure out कि they were hunting. Pointy ends आपको देखने को मिलेंगे, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। तो this is how we figure out. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टूल्स, अगर इसकी बात करें हम, तो ये है हमारा क्लीवर, ये भी है हमारा क्लीवर, इनको बोलते हैं क्लीवर्स,